देखिए परसेंटेज का पहला सवाल है, ठीक है, जो कल पढ़ाए थे उससे आगे जो कल रिवीजन किए होंगे उसको ये सब सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए कल भी हम बोले थे कि जो भी रेशियो में परसेंटेज से रिलेटेड सवाल था उसको हम क्या किए थे, छोड़ दिए थे, क्योंकि परसेंटेज नहीं पढ़ाए थे, ठीक है। ये देखिए रेशियो के आधारित पर ये सवाल है, ठीक है। अगर रेशियो जो बढ़िया से पढ़े होंगे, क्योंकि यहाँ तो काम करेंगे परसेंटेज वाला काम करने के बाद फिर क्या करेंगे, रेशियो का फिर काम करेंगे। अब जो रेशियो मतलब जो है ना, जो जिसको नहीं पता होगा उसको थोड़ा सा उसको भी दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पर भी हम वो बात उतना बात हम बोल देंगे, यहाँ पर भी उसको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन जो कह रहा है वैसे हम काम करेंगे। कह रहा है सी की या ए की आय से 20% अधिक है, क्या है सी की या ए की, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। देखिए सी की आय बी की आय से कितना है, बी की आय से 20% अधिक है, तो हम इसको क्या माने, हम 100 मानेंगे, ठीक है। तो इससे अधिक है कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर आगे बोल रहे हैं कि बी की आय, ठीक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। देखिए फिर लिखिए बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो हमको ए का मालूम नहीं है, जिसका मालूम नहीं है उसको हम क्या मानेंगे, 100। अब 25% अधिक कितना, 125 हो जाएगा, ठीक है। कल भी हम बताए थे कि 20% अधिक है तो 120 कैसे हुआ, क्योंकि देखिए मान लीजिए जैसे हम 100 मान हैं, ठीक ना, 100 का 20% अधिक है, क्या जाएगा 20% को पहले हम निकालेंगे, ठीक है, सुना खत्म, बराबर कितना 20 हुआ। अब पहले कितना था, 100, 20% का ये निकला था, टोटल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। नहीं तो इसका क्या होता है, देखिए जितना कह रहा है, ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 100 + 20 यानी 100% जो भी होगा, ठीक है, तो कितना 120, ठीक ना, तो इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 120। तो उसी तरह से यहाँ पर निकाले हैं, यहाँ पर क्या रहा है कि 20% क्या है, अधिक है, तो हम 100 माने हैं और 20% अधिक क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि बी किया ए किया से 25% अधिक है, तो हम ए किया हमको मालूम नहीं था, तो हम क्या किए, ए किया हम 100 मान लिए, तब जाके बी क्या कितना, 125 निकल गया, ठीक है। अब देखिए ये अलग हो गया, ये टर्म अलग है और ये अलग है, दोनों क्या है, अलग है। अब देखिए इसको अनुपात में, ये देखिए ये सुना खत्म, ये देखिए 2 से काटिए तो 6 अनुपात, यहाँ देखिए 2 से काटिए तो 5, इधर देखिए 25 × 25 = 125, 25 × 100, ठीक है। अब देखिए हमारा 2 बी था, दोनों बी का मान यहाँ क्या हो गया, बराबर आ गया। अगर मान नहीं आता बराबर तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, आगे थोड़ा सा जैसे हम 6 = 5 और इधर का मान नहीं आता, जैसे 3 = 3 = 4 आ जाता, ठीक है, सपोज आ जाता तो हम क्या करते हैं, यहाँ सेम आ गया था, हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा हम क्या करें, बी का मान हम 5 लिख देंगे, क्योंकि दोनों बी जो कॉमन है दोनों बी का मान सेम है, सेम आ गया था, अगर नहीं आता तो क्या करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जैसे ए यहाँ सी है ना, सी बी बी और ए, क्या करते हैं यहाँ पर, ये बी का मान इसमें टोटल में क्या करते हैं, हम गुना करते हैं, और ये बी का मान इसमें टोटल हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। ये अनुपात में हम बता चुके हैं कैसे हम बैलेंस करते हैं, कैसे हम बराबर करते हैं, इधर 6 × 18 = 15, इधर 4 × 12 = 16। अब इधर क्या 5 होगा ना, 5 होगा गुना, क्योंकि बी कितना है, 5 है, तो 5 × 15 हो गया। देखिए दोनों बी का मान क्या गया, बराबर आ गया, बराबर आ गया ना, लेकिन हमें ये सवाल में जो कह रहा था वो करने के बाद हमको दोनों बी का मान हमको क्या गया, सेम आ गया, तब लिख सकते हैं ए बी और सी, तो ए का मान कितना है, देखिए ए का मान 4 है और बी का मान कितना है, तो दोनों बी का मान सेम है तो 5 हो गया, और सी का मान कितना, 6 निकला, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है तो सी की आय,
सी क्या है, ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए एक बार और रिपीट कर देते, जो हम कल बताए थे, कल पढ़ाए थे कि पांच से कितना प्रतिशत अधिक है, इस तरह से कल हम पढ़ाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किए थे, अधिक है कितना, एक अधिक है किससे, तो पांच से, और प्रतिशत मिलाने के लिए 100% से गुना, 20 × 100 यानी कि 20% क्या है, बड़ा है। तो उसी प्रकार से यहाँ करेंगे, देखिए ये तो कल वाला ही समझा है, यहाँ पर कह रहा है सी किया है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक है कितना, सी की आय एक की आय 4 है और सी की आय 6 है, तो अधिक है कितना, अधिक देखिए 2 अधिक है किससे, तो ए से, यहाँ ध्यान दीजिए किससे, तो ए से, तो ए है कितना, जिससे कहेगा उसको हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, जिससे कहेगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो हमको देखिए कह रहा है कि सी क्या एक या ऐसे कितना प्रति अधिक है, तो अधिक था कितना, तो किससे, तो ए से, ए को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे, और प्रतिशत मिलाने के लिए 100% से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब काटिए क्या हो जाएगा, 25 × 100 बराबर क्या हो जाएगा, 25 × 50 ये क्या हो गया, आंसर हो गया नहीं, 50%, कितना अधिक है, 50% अधिक है, ठीक ना। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का सवाल कल भी पढ़ाया और आज भी हम समझा दिए, जिससे कहेगा उसको हम नीचे रखेंगे, और जिससे मतलब जो है ना, ये कह रहा था कि एक सी किया एक या ऐसे कितना प्रति अधिक है, अधिक है कितना, सी 2 अधिक है किससे, तो ए से, ए को नीचे लिख दिए, ठीक है। देखिए अगला सवाल को बनाने से पहले एक चीज में समझिए, ठीक है। मान लीजिए किसी का आय का वो 60% खर्च कर देता है, ठीक है, 60% क्या कर देता है, खर्च करता है, ये बचत कितना करता है, बचत क्या, कोई भी कितना भी आय होगा, अगर 10 रुपया भी आय कमाया होगा तो अपने आप में क्या होगा, 100% के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें 60% वो खर्च कर दिया, तो बचत कितना करेगा, 100 − 60 बराबर कितना, 40%, क्या देगा, 40% वो क्या किया, बचत किया, ठीक है। उसी अगर ये समझ गए हैं तो ये सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई जो है कमाया, ठीक ना, 500 रुपया 1000 रुपया कुछ भी कमाया, तो अपने आप में क्या है, 100% के बराबर है, ठीक है। तो उसमें से 60% खर्च कर दिया, तो कितना प्रतिशत बचत किया, तो टोटल कितना हमारा, 100%, तो 100 − 60 बराबर कितना, 40% क्या है, बचत है। उसी अनुसार से देखिए ये सवाल कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी के 60% क्या है, लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या 972 है, ध्यान दीजिएगा, ये लड़कियों की संख्या कुल नहीं दिया हुआ है, ये कुल विद्यार्थी नहीं दिया हुआ है, दिया क्या है, लड़कियों की संख्या 972 है, हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम निकालेंगे, हमको विद्यालय में कितना लड़का है वो तो हमको मालूम नहीं है, जो भी होगा वो जितना भी होगा वो 100% के बराबर होगा, ठीक है, जितना भी होगा वो 100% के बराबर ही होगा, चाहे 10 हो 20 हो, चाहे अपने आप में क्या है, 100% के बराबर है। यहाँ पर देखिए बॉय और गर्ल, ठीक है, यहाँ पे यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी के 60% क्या है, लड़के हैं, 60% क्या है, लड़के हैं, तो लड़की कितना हो जाएगा, 40%, कितना हो जाएगा, 40%। अब देखिए किसका मान दिया हुआ है, 972 लड़की का, मतलब 40% बराबर कितना, 972, तो हम इसको लिख सकते हैं 40% बराबर 972,
ठीक है, तो यहाँ पर 100% क्या हुआ 972 बटे 40 गुना 100। अब देखिए ये सुना सुना खत्म, और यहाँ पे देखिए काटिए 4 से, तो 4 दुना 8 है, एक बचा, यहाँ 17 हो गया, ठीक है, 4 चौक 16, तो एक बच गया, 4 तिया 12, और एक सुना यहाँ बचा हुआ है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 2430 यानी कि 2430। टोटल विद्यार्थी हमारा कितना निकल गया उस विद्यालय में, 2430 निकल गया। तो हमको क्या मांग रहा है, तो कुल कितने लड़के हैं, लड़का का पूछ रहा है, तो लड़का देखिए हमारा कितना था, लड़का कितना 60% यानी कुल का 60%, तो कुल हमारा कितना निकल गया देखिए यहाँ पर 2430, ठीक है, तो कुल लड़का है कितना है? कुल विद्यार्थी हमारा कितना 2430 निकल गया, ठीक है, उसमें से 60% क्या है लड़का है, तो लड़का निकाल लिया लड़का, तो 2430 का 60% यानी कि प्रतिशत हटेगा तो 100 नीचे आएगा बटन में, 100 खत्म। अब यहाँ देखिए छोतिया 18, छोचक 24 है 25, और छो दुना 12 दू 14 यानी 1458 क्या है लड़का टोटल, यही क्या है आंसर है, ठीक है, जैसे कह रहा था उसे हम क्या किए कर दिए। मतलब यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी के 60% लड़के हैं, तो 60% क्या कर दिए लड़के हैं, इस जब लड़का 60% है तो लड़की कितना होगा 40%, ठीक है, तो यहाँ पर लड़की का संख्या दिया होता है 972 दिया हुआ है, तो हम लड़की की संख्या बढ़ाओ, लड़की की संख्या कर दिए, इधर प्रतिशत में दिया हुआ था, इधर जितना है वो रियल में दिया हुआ है, तो टोटल विद्यार्थी हमको निकल गया 100% बराबर 972 बटे 40 गुना 100, ठीक है, उसके बाद यहाँ से 100% कितना 2430, हमको कुल विद्यार्थी निकल गया 2430। तो लड़का पूछ रहा था लड़का मेरा कितना है 60% है, तो 60 2430 का 60% कर दिए, मेरा कितना ही है 1458 निकल गया, कितना लड़का निकल गया, ठीक है। इसी टाइप से एक और सेम सवाल देखिए, ठीक है ना, सेम सवाल देखिए, इसी टाइप का एक सवाल और देते हैं, देखें सेम सवाल है, सवाल में कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ डिजिट का चेंजिंग है, ठीक है ना, और कोई फर्क नहीं है। कह रहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% क्या है लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या 510 है, किसका दिया है लड़कों की संख्या 510 है, और उस सवाल में जो क्या दिया हुआ था यहाँ लड़कों का संख्या दे दिया था कितना प्रतिशत है, तब जाके बोल रहा था कि लड़की इतना है, तो बताएं लड़कों की संख्या कितना है। तो यहाँ पर देखिए सेम सवाल है, सिर्फ डिजिट चेंज है, क्या किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% क्या है लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी की संख्या है, ठीक है, फिर उसी तरह से हम लिखेंगे बॉय और गर्ल, ठीक है, यहाँ पर देखिए लड़कियां कितना है 70%, जब 70% लड़कियां हैं तो लड़का कितना हो जाएगा 30%, तो दिक्कत देखिए विद्यालय में कुल कितना भी विद्यार्थी होगा तो क्या होगा 100% के बराबर होगा, या 20 हो 40 हो 100 हो 1000 हो 5000 हो, वो क्या कहलाएगा अपने आप में 100% के बराबर कहलाएगा। हम कल भी बोले हैं अगर मेरे पास 10 रुपया है तो मेरे लिए 100% के बराबर है, उसमें खर्च करेंगे तो या 20% खर्च करें या 40% खर्च करें, वो 10 रुपया में ही खर्च करेंगे, ठीक है। अब देखें गर्ल हो गया कितना 70% और लड़का निकल गया 30%, देखें अब कह रहा है लड़कों की संख्या कितना है 510 है, यहाँ पर देखिए लड़कों की संख्या 30% बराबर कितना 510, तो 100% बराबर 100% क्या हो जाएगा 510 बटे 30 गुना 100, ठीक है। अब देखिए एक सुना खत्म, ये 70 तिया 51 बराबर क्या हो गया 17 पर 2 को सुना
यानी कि 1700। उस विद्यालय में कुल कितना विद्यार्थी हैं? 1700, क्योंकि हमको 100% का वैल्यू निकल गया और उस विद्यालय में जितना भी होगा वो अपने आप में क्या 100% के बराबर। तो 100% बराबर मेरा कितना निकला? 1700। यही तो मतलब जो मेरा क्या है आंसर हो गया, यानी कि उस विद्यालय में कुल कितना है? 1700। ये सब जो क्वेश्चन है SSC ग्रेजुएट लेवल में सब ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन अगर सही ढंग से समझ जाते हैं तो समझिए कि आप 2-3 लाख रुपया कमा लिए एक क्वेश्चन का, ठीक है। आप कहिएगा कैसे हैं? मान लीजिए कोई एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। अगर मान लीजिए उसमें से आप 80 नंबर ला करके, यानी कि 80 नंबर ला करके आप क्या हो गया? पास हो गए, ठीक है। तो मान लीजिए आपका मिनिमम सैलरी अभी कम से कम अगर 50 है, अगर ग्रेजुएट लेवल का अगर नौकरी लगा तो कम से कम 50 से स्टार्ट होगा, मिनिमम 50 मान लीजिए, यानी कि 50,000 प्रति महीना आपका क्या है? 50,000 प्रति महीना आपका सैलरी है। तो 12 महीना में कितना आ जाएगा? एक महीना में 50,000 कमा रहे हैं तो 12 महीना में 12×5=60 कितना हो जाएगा? 50,000। इसको सुना लिखिए, ठीक। तो 12×5=60 हो गया, यहाँ से 4 को 0 उतरेगा, ठीक। कितना हो गया? 11,000, 10,000, 10,000,000 यानी 6 लाख। 6 लाख की अब सालाना कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं? 6 लाख का सालाना। अब उस पर से अगर मान लीजिए आप मतलब जाने कम से कम अगर 30 साल के भी अगर उम्र में अगर आपकी नौकरी लगता है, आप 30 साल तो सर्विस करिएगा, इसे 30 से गुना कर दिए कि जहाँ इतने 6×6=18, ये सुना ये 4 गो उतर जाएगा, 1, 2, 3, 4 11,000, 10,000,000, 10 लाख और बेसी हो सकता है क्योंकि सैलरी उतना थोड़े सैलरी क्या है बढ़ते रहता है, ठीक है। तो इतना एक एक क्वेश्चन को जोर जोर के मतलब जो है ना, अब 80 मान लीजिए कि कुछ आया उसे मतलब नहीं है, आप 30 साल में कुछ कमाए, ठीक है, मान लीजिए कि इतना ही कमाए, इसमें से आप 80 से भाग दीजिए तो एक क्वेश्चन का वैल्यू निकल जाएगा। अगर इतना में अगर 80 से अगर भाग देते हैं तो एक क्वेश्चन का वैल्यू निकलता है, ठीक है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन हो उसको इम्पोर्टेंट मानिए और अच्छी ढंग से समझते चलिए और रिवीजन करते जाइए। सबसे जरूरी बात है रिवीजन, अगर रिवीजन नहीं करिएगा तो अभी समझ लिए, बाद में अगर रिवीजन करें फिर क्या है, फिर भूल जाएगा, फिर क्या है कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मानते चलिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। अगर एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को हमको संख्या मालूम नहीं है, किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर वो 3/5 से गुना कर दिया, मतलब उलट के गुना कर दिया, ठीक है। करना था गुना किससे? 5/3 से, अब गुना किससे कर दिया? 3/5 से गुना कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत बताएं, ठीक है। क्या पूछ रहा है? त्रुटि यानी कितना का त्रुटि हुआ उसका प्रतिशत भी बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मालूम नहीं है कौन सी संख्या है, हम संख्या मान लेते हैं क्या एक से मान लेते हैं संख्या क्या मान लेते हैं एक से मान लेते हैं है? माना संख्या क्या एक्स, यही संख्या में 5/3 से गुना करने को कहा गया, लेकिन वो क्या कर दिया उसको उलट के गुना कर दिया 3/5 से गुना कर दिया, तो त्रुटि बताएं। अब देखिए हमारा रियल जो मान कितना है, यानी कि सही मान हमारा कितना होना चाहिए, यानी कि एक्स का 5/3 बराबर 5×3, ये मेरा रियल मान होना चाहिए, लेकिन वो वैसे किया नहीं, ठीक है, यानी त्रुटि वो कर दिया, ठीक है। त्रुटि क्या किया? 3/5 से गुना कर दिया, ठीक है। त्रुटि मान ये क्या किया, एक्स को क्या किया 3/5 से गुना कर दिया, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3×5, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पर निकालेंगे कितना त्रुटि किया, ठीक है ना। त्रुटि रियल में त्रुटि कितना किया है, ठीक है, यानी कि सही में
त्रुटि कितना है, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, सही मानने से इसको हम क्या करेंगे, हम घटा देंगे, ठीक है। देखिए पाँच एक्स बटे तीन माइनस तीन एक्स बटे पाँच, ठीक है। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना निकल जाएगा, पंद्रह, यहाँ पाँच से करेंगे तो पचे पच्चीस एक्स माइनस इधर करेंगे पाँच या पंद्रह तीन या नौ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, पच्चीस में से नौ घटाएंगे क्या होगा, सोलह एक्स बटे कितना हो जाएगा पंद्रह, ठीक है। कितना जाएगा सोलह एक्स बटे पंद्रह। अब हमारा ये क्या निकल गया, त्रुटि निकल गया, इतना हमारा त्रुटि हुआ। अब पूछ रहा है त्रुटि प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत हम किस पे निकालेंगे, सही मान पे निकालेंगे। ये जो हमारा सही मान है इसी पे हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। तो त्रुटि प्रतिशत, त्रुटि प्रतिशत क्या हो जाएगा, मेरा सही मान कितना है, पहले त्रुटि कितना है, त्रुटि है सोलह एक्स बटे पंद्रह बटे कितना हो जाएगा, त्रुटि मेरा कितना निकला सोलह एक्स, हाँ सही मान, सही मान हो गया ना, सही मान, क्योंकि बटा हमको क्या लिखना है, सही मान निकला है लिखना है। तो पाँच एक्स बटे तीन, अब प्रतिशत मिलाने के लिए एक सौ प्रतिशत से गुना। अब देखिए इसको लिखते हैं सोलह एक्स बटे पंद्रह, अब देखिए ये उलट जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा तीन बटे पाँच एक्स गुना एक सौ प्रतिशत। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्स ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखिए ये पाँच या तीन पचे पंद्रह, अब देखिए ये नीचे पाँच हो गया, ये दोनों गुना करेंगे तो पच्चीस हुआ, पच्चीस चौके सौ, ये पाँच ये भी पाँच, पचे पच्चीस, पच्चीस पच्चीस चौके सौ, तो सोलह चौ चौंसठ, यानी चौंसठ प्रतिशत में हमारा क्या निकल गया, त्रुटि निकल गया है, ठीक है। अब देखिए एक बार और समझा देते हैं कैसे किए हैं। कह रहा है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को पाँच बटे तीन से गुना करने के स्थान पर इसे वो तीन बटे पाँच से क्या कर दिया, गुना कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत बटाएँ। तो हमको सही मान संख्या को मालूम रहे, हम संख्या मान लिए एक्स, इसमें सही मान गुना करना था पाँच बटे तीन, यानी कि पाँच एक्स बटे तीन हमारा ये क्या है, सही है। और त्रुटि, त्रुटि वो कितना कर दिया कि x ने तीन बटे पाँच से गुना कर दिया, मेरा त्रुटि मान निकल गया, ठीक है। अब देखिए सही में त्रुटि हुआ कितना, कितना पहले से अभी में कितना फर्क है, ठीक है। तो अब देखें इसको हम क्या किए, माइनस घटा कर दिए, घटाने के बाद हम ये दोनों के एलसीएम लिए, पंद्रह आया, इसको करके कितना सोलह एक्स बटे कितना पंद्रह आया। तो त्रुटि प्रतिशत हमको निकालना है, त्रुटि प्रतिशत, तो त्रुटि हमारा कितना है सोलह एक्स बटे पंद्रह, सोलह एक्स बटे पंद्रह, तो किस पर, ये सही मान पर ही ना, तो पाँच एक्स बटे क्या तीन, प्रतिशत मिलाने के लिए एक सौ प्रतिशत से गुना। तो हम क्या किए सोलह एक्स बटे पंद्रह, इसको क्या किया उलट दिए, उलट जाता है मान, तो क्या तीन बटे पाँच, एक्स एक्स खत्म हो गया, तीन पच्चे पंद्रह, और यहाँ भी पाँच बचा, यहाँ भी पाँच, पच्चे पच्चीस और पच्चीस चौके सो आए सोलह चौक चौंसठ प्रतिशत, क्या हो जाए यही हमारा क्या हो गया एंसर हो गया, ठीक है। कोई भी सवाल को अगर समझ गए हैं तो इसको क्या है ना एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन करिए कैसे क्या हुआ है, नहीं भी समझ में आता है तो कमेंट करिए, हम फिर से उसको क्या करेंगे, हम रिवीजन रिवाइज हम कर देंगे, ठीक है। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। हमको तो रियलिटी में संख्या हमको मालूम नहीं है, ठीक है, संख्या हमको क्या है मालूम नहीं है, ठीक है। अगर इसको हम एक समान के बना सकते हैं और नहीं भी मान के बना सकते, देखिए हम दोनों तरीका से बनाते हैं, जैसे कि माना, माना कि संख्या, संख्या क्या है एक्स, अब उसी संख्या का 20%, मतलब उसी संख्या का 20% और कितना 120 है, हम इसको 20x बटे 100 लिख सकते हैं बराबर 120। अब देखिए ये देखिए x बराबर इसको लिख सकते हैं 120, इधर भाग में घर जाके गुना में, इधर गुना में इधर आके क्या होगा भाग में होगा। अब देखिए ये दो सुना, एक सुना खत्म, ये छः दूनी बारह,
तो x बराबर हमारा कितना निकल गया 600 निकल गया। हमको संख्या क्या है निकल गया 120। अब कह रहा है उसी संख्या के 120 प्रतिशत क्या होगा, उसी संख्या का मतलब मेरा संख्या कितना निकला 600 का 120 प्रतिशत, प्रतिशत हमें हटाएंगे नीचे में 100, अब ये दो सुना खत्म, तो क्या हो जाएगा 12×6=72 यानी कि 720। ठीक है, कितना हो जाएगा उसी संख्या का 120 प्रतिशत 720 हो जाएगा, क्योंकि 600 का निकाल लिए 120 प्रतिशत नीचे में 100 हुआ, ये दूसरा खत्म 12×6=72 एगो सुनाया। ठीक है, अब देखिए इधर दूसरा तरह हम 100 हम नहीं मानते हैं। ठीक है, जो भी संख्या हो अपने आप में क्या होगा 100% के क्या होगा बराबर होगा, यानी कि 20% बराबर दे दिया है कितना 120, इसलिए 100% बराबर क्या देगा 120/20×100। अब देखिए 100 खत्म, ये 6×12 बराबर कितना 600 हो गया। आप देखिए अब कह रहा उसी संख्या के 120 में हो जाएगा 600 का 120%, ये दूसरा खत्म 12×6=72 यानी 720। ठीक है, एक सम मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी संख्या में हम अगर एक सम नहीं मानेंगे तो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, 100 ही मानेंगे तभी बनेगा, एक सम मान के भी बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी कोई कोई सवाल में क्या, यहाँ तो इजी था कि एक्स माने तो तुरंत बन गया है, कभी कभी क्या होता है कि हमको एक्स माने पर ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए वहाँ कोशिश करते हैं कि 100% ही मान के लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आज तक यहीं तक रहने दीजिए। हाँ, जितना हम अभी पढ़ाए हैं उसको क्या करिए एक दो बार मतलब देखिए समझिए, इसका नोट्स बनाते चलिए, सब क्वेश्चन को बनाते चलिए और एक दो बार रिवीजन करते रहिए, उसके बाद देखिएगा प्रतिशत कुछ भी भारी नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ उसी के लिए भारी नहीं लगेगा जो कि रिवीजन कर रही, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, अगर रिवीजन नहीं करते हैं, अगर प्रतिशत जिसका कमजोर है उसका लाभ हानि भी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम इतना नहीं करेंगे डायरेक्ट, मतलब वहाँ पर हम मान रखेंगे। ठीक है, से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वो सब मतलब जो है ना इसी पर आधारित, प्रतिशत पर ही आधारित है, इसलिए ये क्या है ये 2-3 चैप्टर का ये प्रतिशत बेस है, इसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो आज तक यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है।